गुड मॉर्निंग, आई वेलकम यू ऑल ऑन दी MCIT डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो आज का टॉपिक है हमारा नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस, कि किस तरह से नियोटेनी होती है एंड पीडोजेनेसिस किस तरह से होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टॉपिक की, नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस। ठीक बात है, नियोटेनी को आप चीरभ्रूणता के नाम से भी जानते हैं कि चीरभ्रूणता जो होती है वो नियोटेनी होती है, और पीडोजेनेसिस को पादप जनन भी हम कहते हैं। कि मेनली अगर हम देखने को मिले तो पादप जनन का मतलब सिर्फ सीधी सी बात यही है कि कैसे लार्वा अवस्था में, लार्वा अवस्था ही दूसरे लार्वा अवस्था को प्रोड्यूस करता है, या हम बोल सकते हैं कैसे रिप्रोडक्शन करके लार्वा स्टेज न्यू लार्वा को बनाती है, तो उसी को हम बोलेंगे पीडोजेनेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नियोटेनी की, क्योंकि नियोटेनी की बात कर रहे हैं, चीर भ्रूणता नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो सबसे पहले नियोटेनी को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने टर्म किया था, उन साइंटिस्ट का नाम था कॉल्विन। कॉल्विन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को दिया था। नियोटेनी मीन्स चीर भ्रूणता। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो नियोटेनी में हम ये देखेंगे कि जो लार्वल कैरेक्टर्स होते हैं वो एक बार के लिए रुक जाते हैं, यानी कि लार्वल अवस्था में ही रिप्रोडक्शन स्टेज, यानी कि आप बोल सकते हो गोनाड्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। गोनाड्स मैच्योर होंगे तो सीधी सी बात है, गोनाड्स के मैच्योर होने के कारण, परिपक्व होने के कारण वो आगे जाकर बेबीज़ को बर्थ भी दे सकते हैं। सो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि कैसे लार्वल अवस्था में ऑर्गेनिज़म्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सीधी सी बात, नियोटेनी एक्चुअल में होता क्या है, लार्वल कैरेक्टर्स का रिटेंशन बोल सकते हो, लार्वल कैरेक्टर्स रुक जाते हैं तो लार्वल कैरेक्टर्स का रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब ही होता है रुकना, रिटेंट करना, रुकना। तो लार्वल कैरेक्टर्स जब रुकेंगे, रिटेंट हो जाएंगे, यानी कि उनसे आगे जाकर क्या नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। सीधी सी बात है, लार्वल कैरेक्टर्स का रिटेंशन मतलब है कि मेटामॉर्फोसिस का नहीं होना, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। तो मेटामॉर्फोसिस जहाँ पर नहीं हो रहा है वहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, नियोटेनी हो रही है। तो आप बोल सकते हो ये कायंतरण की अपोजिट है चीर भ्रूणता। जैसे ही कायंतरण होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, नियोटेनी नहीं होगी, और जैसे ही मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, दैट मीन्स क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, नियोटेनी, या फिर आप बोल सकते हो चीर भ्रूणता उपस्थित है। अब बात करूँगी मैं, सीधी सिंपल सी बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम देख रहे हैं लार्वल कैरेक्टर्स का रिटेंशन तो होता है इसके अंदर, लेकिन कहाँ होता है रिटेंशन ये देखना भी ज़रूरी है। तो कहाँ होता है लार्वल कैरेक्टर्स का रिटेंशन, एडल्ट में होता है। एडल्ट्स में लार्वल कैरेक्टर्स रिटेंट होते हैं, एंड लार्वल कैरेक्टर्स के रिटेंशन का मतलब ये है कि जो गोनाड्स मैच्योर हो रहे हैं वो गोनाड्स जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, जो हमारे जनन तंत्र होते हैं वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, लार्वल कैरेक्टर्स वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो ये मतलब हुआ नियोटेनी का। अब मैंने आपको डेफिनेशन बताई, कॉल्विन ने इस टर्म को प्रपोज किया था, कॉल्विन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। दूसरी चीज़ मैंने बोली, ये है क्या प्रोसेस, तो ये प्रक्रिया क्या है, लार्वल जो कैरेक्टर्स हैं वो रुक जाते, रिटेंट हो जाते, डेवलप नहीं करते आगे जाकर, क्योंकि आगे जाकर डेवलप करेंगे तो क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस, लेकिन डेवलपमेंट नहीं करते हैं। और डेवलपमेंट किस अवस्था में नहीं करते हैं, एडल्ट अवस्था में नहीं करते हैं। इससे जल्दी, लार्वल कैरेक्टर्स से जल्दी तो कौन डेवलप होने लग जाते हैं, हमारे गोनाड्स डेवलप होने लग जाते हैं,
गोनाड्स जल्दी परिपक्व होते लार्वल कैरेक्टर्स रिटेंट होकर रुक जाते हैं, डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा, एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दूसरी चीज, अब जब मैं बोल रही हूँ सिंपल सी बात कि नियोटेनी ये होता है प्रोसेस, तो हम बोल सकते हैं नियोटेनी को हम कहाँ देख सकते हैं, तो सीधी सी बात, सिंपल सी बात, नियोटेनी को जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो नियोटेनी को हम मोस्टली एम्फीबियंस में ही देखेंगे। एग्जांपल इनका होता है एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस की हमें दो कैटेगरीज तो पता है, उभयचर जो हैं उनकी दो कैटेगरीज हमको पता होती हैं। एक कैटेगरी होती है इनकी यूरोडेला और एक कैटेगरी होती है इनकी एन्यूरा, ठीक है। एक कैटेगरी है यूरोडेला, एक कैटेगरी है एन्यूरा। नाउ क्योंकि यूरोडेला की बात है तो यूरोडेला वो है एम्फीबियंस हैं जिनमें इवन एडल्ट अवस्था में भी टेल देखने को मिलेगी, यूरोडेला पूंछ देखने को मिलेगी वयस्क अवस्था में भी। लेकिन एन्यूरन्स वो हैं जिनमें एडल्ट अवस्था में, वयस्क अवस्था में कोई टेल देखने को नहीं मिलती, नो टेल ऑब्जर्व्ड। इफ टेल ऑब्जर्व्ड नहीं हो रही तो एन्यूरन्स, इफ यूरोडेला है तो आपको वयस्क अवस्था में टेल दिखेगी। ऐसा नहीं है कि इनमें टेल नहीं दिखेगी, ऑफकोर्स इनमें भी टेल दिखेगी, बट कब, यंग स्टेज में, लार्वल स्टेज में टेल देखने को मिलेगी। बाद में धीरे धीरे क्या होगा, कायंत्रण, और कायंत्रण के द्वारा टेल रिमूव हो जाएगी। और आपको पता है कायंत्रण एम्फीबियंस का मेटामॉर्फोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है स्टडी पर्पज़ के लिए, कि कैसा कायंत्रण होता है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। किसके कंपैरिजन में, एम्फीबियंस का मेटामॉर्फोसिस इम्पॉर्टेंट है। नाउ क्योंकि हमने एग्जांपल भी दे दिया, हमने बोला चीरभ्रूणता क्या होता है ये बताया, एग्जांपल भी दे दिया कि मोस्टली एम्फीबियंस के भी यूरोडेला में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने बोला यूरोडेला में देखने को मिलेगी, तो यूरोडेला में मोस्टली टेल्स देखने को मिलती हैं। अब लार्वल कैरेक्टर की बात करते हैं और फिर एडल्ट को देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हुए चलेंगे एम्बायस्टोमा का। एम्बायस्टोमा में सबसे पहले मैं लार्वल कैरेक्टर को देखूंगी और फिर देखूंगी कि एडल्ट कैसा होता है। तो ये हमारा लार्वल कैरेक्टर, ठीक है। तो लार्वल कैरेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, वो चीज़ क्या है ये देख लेते हैं एक बार के लिए। देखेंगे इसको, ठीक है। सिंपल सा ये स्ट्रक्चर है हमारे एक्सोलोटल लार्वा का। एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो एक्सोलोटल लार्वा का स्ट्रक्चर है, यूरोडेला का ही मेंबर है, एम्फीबिया का ही मेंबर है, और ये लार्वा है तो इसका एडल्ट क्या होता है, एम्बाइस्टोमा, ठीक है। ये लार्वा है तो इसका एडल्ट होता है एम्बाइस्टोमा लार्वा, और लार्वा का ये एडल्ट, ठीक। अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये एक्सोलोटल लार्वा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल रहा है, ये भी देखो, सिंपल स्ट्रक्चर है। ये क्या है इसके फोर लिम्ब्स, ये क्या है इसके हाइंड लिम्ब्स, ठीक है। टेल देखने को मिल रही है, एक कॉडल टेल और कॉडल फिन, ठीक है। दूसरी चीज़, ये बीच में लेटरल लाइन सिस्टम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब
बॉडी में सेगमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, देखो डिवाइडेड है, बट इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या है, दो तो पेयर्स ऑफ लिम्ब्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे नॉस्ट्रल्स हैं, नासा छिद्र हैं, यहाँ पे देखोगे आगे की तरफ माउथ है, यहाँ देखोगे आईज हैं, आईज के साथ साथ यहाँ देखोगे ये एक्सटर्नल गिल्स हैं, और तीन पेयर्स हैं, एक ये तीन, फिर ये और ये तीन, ये थ्री, तो थ्री पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स, ये रहे थ्री पेयर्स हैं। तो लार्वा की जब स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, तो क्या देखने को मिल रहा है, एक्सटर्नल गिल्स, सबसे पहले एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट है, मतलब लार्वा है ये, ठीक बात। दूसरा स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, भाई गिल्स हैं, गिल्स से एक्वेटिक रेस्पिरेशन, यानी कि ये वाटर में रहते हैं तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन करते हैं, जल में श्वसन करते हैं। दूसरी चीज़, आईज़ इनकी इतनी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि लार्वा अवस्था की है तो इतना डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा आईज़ में। तीसरी चीज़, टेल है इनमें। फोर्थ थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि क्या है इनके अंदर जो लिम्ब्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, यानी कि आप सोच सकते हो लार्वा के लिम्ब्स हैं, लार्वा के लेग्स और हैंड्स हैं, फोर लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स हैं, तो ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, एडल्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमें सिर्फ लार्वा में देखने को मिलेंगे, लेकिन एडल्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। एडल्ट में इनका कुछ चेंज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मसल्स और डेवलप हो जाएंगी, आईज और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, माउथ जो है यहाँ पे आगे की तरफ है, इस तरह से ब्रॉड माउथ है, लेकिन एडल्ट में जब हम देखेंगे तो ब्रॉड माउथ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक लार्वा है जिसमें हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। लार्वा अवस्था में ये है एक्सटर्नल गिल्स, आईज इतनी डेवलप नहीं है, पुअरली डेवलप्ड हैं, टेल, टेल के साथ साथ लिम्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, ब्रॉड माउथ है, ठीक है। अब इसी का एडल्ट देखो, ये देखो, ये एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बाइस्टोमा देखने को मिल रहा है, वही लार्वा है, वो हमने फ्रंट व्यू से देखा, ये हम देख रहे हैं साइड व्यू से, देखो वही लार्वा है, वही आईज, वही थ्री पेयर ऑफ गिल्स, क्योंकि इस साइड है इसलिए थ्री दिख रहे हैं सिर्फ, उस साइड भी थ्री होंगे, ये फोर लिम, ये ट्रंक, ये हिंड लिम, ये कॉडल फिन, ये थ्री पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स, ठीक है, यही इसका साइड व्यू है एक्सोलोटल लार्वा का, ठीक है। अब एक्सोलोटल लार्वा है किसका, एम्बाइस्टोमा टिग्रिनम का है, जो टाइगर सेलेमेंटर, जिसको कॉमन नेम हम बोलते हैं टाइगर सेलेमेंटर, देखो ये देखो एक्सोलोटल लार्वा किसका है, एम्बाइस्टोमा का है, और इसका कॉमन नेम क्या है, टाइगर सेलेमेंटर। तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा लार्वा का, अब एडल्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखो ये लार्वा का स्ट्रक्चर है, ये भी एक्सोलोटल लार्वा है, इसमें भी वही देखने को मिल रहा है, देखो दो आईज, माउथ ब्रॉड है आगे से चौड़ा है, ये थ्री पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स, ये इस साइड थ्री, ठीक है, ये इसके लिम्स, ये इसकी पूरी बॉडी, ट्रंक और टेल, धड़ और पूछ है। अब देखो ये रहा हमारा किसका स्ट्रक्चर, एम्बाइस्टोमा टिग्रिनम का, ठीक है, एम्बाइस्टोमा टिग्रिनम। अब सिंपल सी बात, वो लार्वा था, ये एडल्ट है, क्या यहाँ पे हमें एक्सटर्नल गिल्स मिल रहे हैं, तो एडल्ट में हम क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल गिल्स की जगह पे लंग्स डेवलप हो गए हैं, ठीक बात है। इसके साथ साथ टेल में भी चेंजेस हो गए हैं, टेल भी मैच्योर होने लग गई है,
टेल में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, आईज़ में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, आईज़ में अब और डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट के साथ साथ निक्टेटिंग मैम्ब्रेन भी यहाँ डेवलप होने लग जाती है। आपको पता है निक्टेटिंग मैम्ब्रेन एम्फीबियंस का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो इन्हें वाटर में एक्वाटिक मीडियम में प्रोटेक्ट करके रखती है। इसी के साथ देखोगे इनकी जो लिम्स हैं, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, ये स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स स्ट्रॉन्ग हो गए। एक चीज़ और देख रहे हैं हम, फोर लिम्स में सिर्फ फोर डिजिट्स हैं, हाइंड लिम्स में देखेंगे तो फाइव डिजिट्स एंड स्ट्रेंथ आ गई है, स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। माउथ अब देखोगे, नॉस्ट्रल देखो है, लेकिन माउथ अब देखोगे इतना ब्रॉड नहीं है, माउथ अब चेंज हो गया है और माउथ किस में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे नैरो में, ठीक है, नैरो माउथ हो गया है, सकरा हो गया है माउथ, नैरो। तो ये एडल्ट में चेंजेस हैं, तो ये उसी का एडल्ट, वो जो देखा था हमने वो उसी का लार्वा। तो इस तरह से चेंजेस साफ साफ हमें ऑब्जर्व होते हैं कि किस तरह से यहाँ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक एग्ज़ाम्पल को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया और हमें देखने को भी मिला एक एग्ज़ाम्पल बहुत प्यारा सा। नाउ अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है हमको वो ये है कि जब भी हम एम्बायस्टोमा की बात करेंगे, एम्बायस्टोमा में डिफरेंट टाइप के लार्वाज देखने को मिल सकते हैं और प्लस इसी के साथ साथ एम्बायस्टोमा की डिफरेंट हमें स्पीशीज़ भी मिल जाएगी। लेकिन ये स्पीशीज़ क्या है, टिग्रिनम है, तो इस स्पीशीज़ में देखो टाइगर जैसे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, ठीक बात है, ये टाइगर जैसे स्पॉट्स, ये रे इस तरह से स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि मैंने बोला कि इसमें टाइगर जैसे स्पॉट्स है, इसलिए इसका नाम हो गया टिग्रिनम, ठीक। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ नियोटेनी, कौन कौन से टाइप्स होते हैं नियोटेनी के। सो मैं आती हूँ टाइप्स ऑफ नियोटेनी पर। नियोटेनी के थ्री टाइप्स देखने को मिल सकते हैं हमें। पहला टाइप ऑब्लिगेट, या फिर आप इसे बोल सकते हो कंप्लीट नियोटेनी, ठीक है, या तो आप इसे बोलो ऑब्लिगेटरी या फिर आप इसे बोलो कंप्लीट, पूर्ण चीर भ्रूणता, ठीक बात है। दूसरा टाइप इसका देखेंगे हम इंड्यूसिबल, प्रेरित कर रहे हैं जिससे हम, इंड्यूसिबल नियोटेनी, चीर भ्रूणता। और तीसरा टाइप देखेंगे हम कौन सा, फैकल्टेटिव, वैकल्पिक जिसे आप बोलते हैं, वैकल्पिक प्रकार की चीर भ्रूणता। तो तीन टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे नियोटेनी के, थ्री टाइप्स। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने बोला नियोटेनी क्या है, लार्वा कैरेक्टर्स जो हैं, लार्वा अवस्थाएं जो हैं वो रुक जाती हैं, और चेंज सिर्फ क्या होता है कि गोनाड्स परिपक्व होते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि एक बार गोनाड्स परिपक्व हो गए तो न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ बात कर रही हूँ मैं कि अगर नियोटेनी होती है तो यहाँ पर देखेंगे, एक है कंप्लीट नियोटेनी, पूर्ण चीर भ्रूणता। पूर्ण चीर भ्रूणता से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि पूर्ण चीर भ्रूणता का मतलब है
कि कंप्लीट नियोटेनी यानी कि कहीं से भी हम यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस नहीं करा सकते हैं, चेंज होगा ही नहीं वो एडल्ट में, वो कायंत्रण हम करवा ही नहीं सकते और वो किस अवस्था में रहेगा, हमेशा लार्वा अवस्था में ही रहेगा। उसके अंदर 3 एक्सटर्नल पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, हिंड लिम्स फोर लिम्स वैसे ही रहेंगे, वीक रहेंगे, टेल डिफरेंट रहेगी, माउथ ब्रॉड रहेगा, आईज इतनी डेवलप नहीं रहेगी, यानी कि लार्वा के ही कैरेक्टर्स मिलेंगे, पर फिर भी ये रिप्रोड्यूस करेगा और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट नियोटेनी, ऑर्गेनिजम्स बना सकता है, कंप्लीट है ना, मेटामॉर्फोसिस होने ही नहीं देगा, हमेशा उसे लार्वा अवस्था में ही रखेगा ऑर्गेनिज्म को। दूसरा आता है हमारा इंड्यूसिबल नियोटेनी, जिसे हम प्रेरित कर सकते हैं, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसमें अगर हम बाहर से कुछ एंजाइम्स दें या कुछ केमिकल्स दें, एंजाइम्स भी ना बोल के हम केमिकल्स बोले तो ज़्यादा बेटर लगेगा, अगर बाहर से हम कुछ केमिकल्स दें तो उन केमिकल्स की प्रेजेंस में क्या होगा, उन केमिकल्स की उपस्थिति में क्या होगा, सीधी सी बात है मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, कायंत्रण हो जाएगा। तो जब हम बाहर से प्रेरित कर रहे हैं तो नियोटेनी नियोटेनी नहीं रहती, कायंत्रण हो जाता है, तो कायंत्रण होने के कारण वो किस में बदल जाता है, वयस्क में, एडल्ट्स में बदल जाता है, इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इंड्यूस करने के कारण कायंत्रण क्या होगा, कायंत्रण बिल्कुल होगा, ठीक है, ये वाला प्रोसेस ज़रूर होगा, पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब ये प्रोसेस होगा, और अब ये प्रोसेस होगा तो एडल्ट में चेंज भी होंगे, कायंत्रण नहीं होगा पहले, बाद में होगा, जैसे केमिकल दिया कायंत्रण पहले, जब केमिकल नहीं था तब कायंत्रण नहीं था, ठीक बात है। लेकिन जब केमिकल है तेरे भार से कायंत्रण भी होगा, एडल्ट में भी बदलेगा, इस टाइम पे एडल्ट में नहीं बदलेगा, इधर वाली चीज़ अलग लिख रही हूँ मैं, इधर वाली चीज़ अलग लिख रही हूँ, केमिकल नहीं है कायंत्रण नहीं है, एडल्ट में चेंज नहीं होगा, केमिकल है कायंत्रण है, एडल्ट में चेंज होगा, तो सीधी सी बात है कि ये जो चीज़ें हैं ये कब हो रही हैं, जब हम बाहर से कुछ दे रहे हैं, केमिकल बॉडी में नहीं बन रहा है, हम बाहर से दे रहे हैं, और बाहर से जब हम देंगे तो उसे हम क्या प्रेरित वाला बोल सकते हैं, प्रेरित करवा रहे हैं हम, इंड्यूस करवा रहे हैं, हाँ, सीधी सी बात। थर्ड टाइप आता है फैकल्टेटिव, यानी कि अगर कंडीशंस नॉर्मल हुई, सीधी सी बात, अगर कंडीशंस नॉर्मल हुई, इन्वायरमेंट नॉर्मल हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंडीशंस नॉर्मल होते ही जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक चांस है कि अब मैं कायंत्रण कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा फूड है, बहुत सारा रिसोर्सेज है, मैं कायंत्रण में एनर्जी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि फूड अवेलेबल है, रिसोर्सेज हैं, एंजाइम्स हैं, केमिकल्स हैं, तो जब एनवायरनमेंट नॉर्मल है, एनवायरनमेंट अच्छा वाला है, सारी कंडीशंस के साथ वाला है, रिसोर्सेज के साथ वाला है, उस कंडीशन में उसके पास चांस है और वो वहाँ पे उस चांस का फ़ायदा उठाएगा, तो सीधी सी बात है वो मेटामॉर्फोसिस कर लेगा। तो फैकल्टेटिव का मतलब है वैकल्पिक, उसका मन है, उसके पास कंडीशन सही हैं तो वो मेटामॉर्फोसिस कर भी सकता है, और अगर कंडीशन सही नहीं है तो कुछ समय के लिए वो मेटामॉर्फोसिस को रोक सकता है, वेट कर सकता है कि कंडीशंस नॉर्मल हो और फिर मेटामॉर्फोसिस करे। तो फैकल्टेटिव है, एनवायरनमेंट अच्छा है, उसका मन है, कर लिया, नहीं है तो रोक लिया, एडल्ट में चेंज होने को रुक गए, क्योंकि बाहर फूड नहीं है, एनर्जी कहाँ से लाएंगे, मेटामॉर्फोसिस के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, बाहर फूड नहीं है, तो नियोटेनी में चले गए, चिरभ्रूणता में चले गए, और जैसे कंडीशन नॉर्मल हुई एडल्ट में परिवर्तित हो गए। तो तीन टाइप की नियोटेनी हो सकती है, एक कंप्लीट प्रकार की पूर्ण नियोटेनी
जिसमें कायंत्रण में आप चेंज ही नहीं कर सकते, बदल ही नहीं सकते। दूसरी इंड्यूसिबल, जिसमें आप बाहर से केमिकल्स देकर प्रेरित कर सकते हो। और तीसरी आ जाती है फैकल्टेटिव, जहाँ पे वैकल्पिक है, देना चाहो, चेंज करना चाहो कर लो, नहीं चेंज करना चाहते तो मत करो। सिंपल सी चीज़ है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी, कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इनके। देखेंगे कंप्लीट का एग्जाम्पल होते हैं प्रोटियस, सीरेन। तो सीधी सी बात है, सीरेन है तो फैमिली क्या हो जाएगी, सीरेनेजी, प्रोटियस, सीरेन। इंड्यूसेबल का एग्जाम्पल है एम्बाइस्टोम। ठीक है। और इस फैकल्टेटिव का एग्जाम्पल होता है हाइला। ठीक है, जहाँ पे आपके पास फैकल्टी है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोटियस, सीरेन कंप्लीट का है, इंड्यूसेबल का एम्बाइस्टोमा है, और लास्ट है हाइला। अब हाइला आप सब जानते हो फ्रॉग्स की कैटेगरी में आता है, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, एन्यूरा की, बाकी यूरोडेला की कैटेगरीज में आएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये स्ट्रक्चर है हमारा प्रोटियस का। ठीक है, प्रोटियस कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इन जनरल प्रोटियस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाए, वही है स्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ये आईज यहाँ पे होंगी, ये एक्सटर्नल गिल्स हो गए, ये लिम्स हो गए, ठीक है, ये टेल हो गई, इस तरह का स्ट्रक्चर। अब नाउ नेक्स्ट देखो, ये रहा प्रोटियस, यही एक्सटर्नल गिल्स, थ्री पेयर्स, फोर लिम्स, एक्सटर्नल गिल्स हो गया, हेड हो गया, नॉस्ट्रल हो गया, आईज हो गई। यहाँ पे जो लार्वा है वो लार्वा का हेड ब्रॉड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटियस का स्ट्रक्चर है। ये इनके हाइंड लिम्स हो गए, ये इनकी टेल हो गई कॉडल, और ये इनका कॉडल फिन हो गया, ये बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है प्रोटियस का। ऐसे सीरेन में होता है जहाँ पर कंप्लीट नियोचेनी देखने को मिलती है, यानी कि लार्वल अवस्था में ही रहते हैं ये एडल्ट में चेंज नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इनको हम कितना भी बाहर से केमिकल दे दें, प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन दे दें, बट फिर भी ये चेंज नहीं होंगे एडल्ट में, वयस्क में परिवर्तित नहीं होंगे। अब सीधी सी बात, एग्जांपल्स भी देख लिए, टाइप्स ऑफ नियोटेनी भी देख ली, अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ नियोटेनी, कि नियोटेनी के क्या कॉजेज रहेंगे, क्या कारण रहेंगे जिनकी वजह से नियोटेनी हो सकती है। तो देखेंगे कॉजेज ऑफ नियोटेनी। ठीक बात है। अब मैं बोल रही हूँ नियोटेनी किसके अपोजिट है, जहाँ मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा वहाँ नियोटेनी होगी, जहाँ कायंत्रण नहीं होगा वहाँ नियोटेनी होगी। यानी कि सीधी सी बात कि ये है हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से आएंगे हम पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी पर भी एंटीरियर पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी से हम आएंगे थायराइड ग्लैंड पर, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का मेन रोल होता है, आपको सबको पता है थायराइड ग्रंथि जो है वो मेन रोल प्ले करेगी
मेटामॉर्फोसिस में गायंत्र में। अब थायराइड ग्रंथि के बाद इससे क्या सिक्रीट होगा, T3 या फिर